Moses. Pocket full of roses. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है संडे इवनिंग और मुझे सुबह से व्लॉग स्टार्ट करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया है। मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ मैं ना आज पूरे दिन भर का कुकिंग रूटीन शेयर करूंगी, क्योंकि एक संडे का एक दिन होता है जब मैं पूरी कुकिंग करती हूँ, बट ऐसा नहीं हो पाया। और रिधान पीछे क्या कर रहा है? रिधान नो बाबू, बस हो गया, बंद करो रिधान, बस हो गया, क्रीम लगा दी, ठीक है? बाहर देखो, बाहर क्या हो रहा है? तो वो ठंडा लग जाएगा। तो आज सुबह भाई क्या चले गए थे हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए, आलू के पराठे बने थे बहुत मस्त। फिर मैंने कढ़ी बनाई थी दोपहर में, वो भी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, तो मुझे कैमरा वगैरह सेटअप करने में टाइम तो लगता ही है। मैंने चलो छोड़ो, तो आज का दिन, आज का संडे निकल गया है, लेकिन श्योर है कि मैं आपके साथ में किसी ना किसी संडे पे ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी अपना पूरा संडे का कुकिंग रूटीन। और बस अभी चाय बनाएंगे, काफ़ी शाम हो गई है, 6:30 हो गए हैं, और चाय बनाऊँगी मैं इवनिंग टी। और बाबा ब्लैक ब्लैक सा, वो नाइट हो गई है ना, तो इसलिए ब्लैक ब्लैक सा हो रखा है वो। तो अभी बस इसके बाद में जाना है मुझे पार्लर में, जरा रिधान का ना बर्थडे आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ उसके बर्थडे के लिए थोड़ा सा अपने बालों का डेंटिंग पेंटिंग करवा लूँ। ये बहुत ख़राब बाल हैं, बहुत फ्रीजीनेस है इन बालों में, तो मैं स्मूथनिंग या कैराटीन लेने की सोच रही हूँ। तो यहाँ के आसपास के 4-5 पार्लर्स हैं, तो वहाँ जाके मैं पूछती हूँ क्या रेट है, क्या मेरे बाल इतने इस कंडीशन में हैं क्या कि वो कैराटीन या फिर स्मूथनिंग जैसी चीज़ को सर्वाइव कर पाए। तो बस उसी के लिए मैं जा रही हूँ, अभी चाय बना लेते हैं, उसके बाद बस हम लोग जाएंगे थोड़ा सा मार्केट होकर आते हैं, अगर पॉसिबल हो पाया उसके बाद में तो मैं डिनर आपको सच शेयर करूँगी कि मैंने क्या बनाया, ठीक है? धान के बाल क्या हो गए थे? ड्राई। आज इसकी ना कटिंग करवाई है बालों की, बहुत बड़े बाल हो गए थे तो कटिंग करवाई है इसके बालों की। तो वो और रिधान तो सच में बाल काट भी लिए। रिधान अपने बाल क्यों काट रहे हो? ये बहुत शैतान है, बहुत शैतान है। मेरे पास नो नहीं, नो आईज क्लोज, नो। मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कि बहुत क्यूट बेबी है, बहुत क्यूट बेबी। मैंने कहा क्यूट जितना क्यूट है ना उतना शैतान भी है। रिधान नो बाबू, नहीं काटो बाल। अच्छा सुनो सुनो, से इधरो। अच्छा मम्मा को आई लव यू बोल दे एक बार। अच्छा किसी भी तो करो मम्मा को, थैंक यू, आई लव यू टू। और बस मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और कुछ सोचा था कि कुछ बनाऊँगी इवनिंग स्नैक में, मगर कुछ नहीं बना भाई, पूरा संडे ऐसे निकल जाता है, मतलब बस आराम करते रहो टाइप्स का हो जाता है। तो बस यहाँ पर चाय बना ली है मैंने, और इसके बाद में हम लोग निकल जाएंगे पार्लर्स की सर्च के लिए, क्योंकि मुझे देखने हैं अपने लिए कुछ हेयर स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग के लिए कुछ एक पार्लर डिसाइड करना है। तो बस वहीं पर मैं जा रही हूँ, उन लोगों से प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ रही हूँ जो मैं बाद में अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि स्मूथनिंग के बाद में जो शैम्पू और कंडीशनर हो जाते हैं वो भी अलग ही यूज़ करने पड़ते हैं। तो बस सारे पार्लर्स में मैं यही सब रिसर्च कर रही थी, अब देखती हूँ शायद जनवरी से पहले करवा लूँगी मैं स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग कुछ भी। और बस घर वापस आते ही मेरी ये डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, और मैं बना रही हूँ पालक पनीर, और पनीर को मैंने हल्के से गर्म पानी में भिगोने के लिए रख दिया है क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाता है पनीर, तो अच्छा खाने में अच्छा लगता है। और पालक पनीर बहुत इजी रेसिपी होती है, क्विक होती है, बहुत जल्दी बन जाती है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, मतलब 5-6 बार वॉश करना पड़ता है, बस यही थोड़ी सी मेहनत का काम होता है पालक पनीर में, मतलब मुझे ये लगता है पालक पनीर में बनाने में मेहनत का काम, उसको धोना क्योंकि बहुत बार वॉश करना पड़ता है, मिट्टी होती है पालक में। तो इसको बस मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, स्टीम में ही स्टीम लगा दूँगी, फ्राई भी नहीं, बस उसको मैं स्टीम लगा दूँगी 4-5 मिनट के लिए। और बस ये स्टीम लगाने के बाद में गल गए हैं पत्ते, काफ़ी गल गए हैं, और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी ग्राइंड करने से पहले।
और जब तक पालक ठंडा हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर लहसुन अदरक प्याज और मिर्च ये सब काट लूँगी तड़का लगाने के लिए। और लहसुन मैं थोड़ा मोटा मोटा काटती हूँ कि मैं हफ्ते में एक बार ही कुक करती हूँ तो मैं बहुत बारीक बारीक से नहीं कर पाती हूँ कुछ भी। और मिर्ची हम लोग ऐसे स्लिट वाली मिर्ची यूज़ करती हूँ, बहुत छोटी छोटी मिर्ची मैं नहीं काटती हूँ क्योंकि रिधान कई बार खाता है कई बार नहीं खाता है तो कई बार उसको मिर्ची लगती है तो इसलिए मिर्ची मैं एक या दो यूज़ करती हूँ और वो भी बस एक स्लिट करके। और यहाँ पर मैंने प्याज भी काट दी है, प्याज हमारे बेंगलोर में हो रही है 120 रुपये किलो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके यहाँ प्याज का क्या रेट हो रहा है, मतलब प्याज सच में बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। 2 साल पहले 3 साल पहले भी शायद प्याज इतनी ही महंगी हुई थी। और प्याज ऐसी सब्ज़ी होती है ना कि चाहिए ही होती है, प्याज आप कितना अवॉइड करोगे, कब तक आप बिना प्याज का खाना बनोगे। मतलब मेरे यहाँ तो प्याज बहुत मस्ट होती है, हर चीज़ में प्याज डलती ही डलती है, किसी भी कोई सी भी सब्ज़ी में बना रही हूँ। तो बस इतना, ये सब ठंडा हो गया है पालक मेरा और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। पालक को ठंडा करना बहुत ज़रूरी होता है ग्राइंड करने से पहले क्योंकि वो मुझे पता नहीं होता है कब उसका ढक्कन फट जाएगा और वो कब पूरा किचन में फैल जाएगा। हॉट होगा तो पूरे मेरे फेस पे भी आ सकता है तो इसलिए तो मतलब कई बार एक दो बार ऐसा हो चुका है कि एकदम से ढक्कन खुला है और पूरी किचन में पालक 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 हो गया है। तो इसलिए मैं अच्छे से ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड करती हूँ। और यहाँ पर बस तड़का लगाना शुरू कर दिया है मैंने फ्राई पैन में। मैंने घी लिया है, घी में मैंने जीरा डाला है और जीरा के साथ ही बस मैं ये जितने भी ये लहसुन अदरक प्याज जो मैंने डाले थे उसको मैं अच्छे से भून लूँगी। 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको अच्छे से भूनने में, फ्राई होने में। तो यहाँ पर बस यही सब मैं कर रही हूँ, अच्छे से फ्राई कर रही हूँ इस तड़के को। और रिधान बाहर अपना अपना टीवी देख रहा है, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब बीच बीच में वो आ ही जा रहा था लेकिन वो फिर भी टीवी देख रहा था अच्छे से। उसको थोड़ी नींद सी भी आ रही थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था हमको आने में। 9 बजे मैंने खाना डिनर बनाना स्टार्ट किया था तो 9:30-10 तक बज गए थे। और बस ये फ्राई हो गया है और इसमें मैं ये जो पिसा हुआ पालक है उसको डाल दूंगी और थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया था। और जो ये मसाले होते हैं ना, हल्दी नमक धनिया मिर्च जो भी ये मसाले होते हैं ये मैं बहुत बाद में ऐड करती हूँ, मतलब कुछ लोग पहले भी ऐड करते हैं लेकिन मैं बाद में ऐड करती हूँ। और ये मैंने पनीर के क्यूब्स भी काट लिए हैं, थोड़ा सा पनीर मैंने अलग निकाल दिया है क्योंकि रिधान कई बार नहीं खाता है, उसको प्लेन पनीर प्लेन रोटी प्लेन राइस चाहिए होता है तो इससे अच्छा है कि वो रोए धोए, इससे अच्छा है कि मैं पहले ही उसको अलग निकाल के रख देती हूँ। और हुआ भी ऐसा ही, उसने मतलब पनीर तो नहीं लेकिन अब पनीर मिल गया था तो उसने चावल के पीछे हल्ला मचा दिया कि उसको प्लेन राइस चाहिए थे। मैंने दोपहर में जो राइस बनाए थे वो मैंने उसको नहीं दिए थे रात में खाने के लिए, मैंने खुद खा लिए थे तो उसने बहुत ज़्यादा हल्ला मचाया था कि उसको प्लेन राइस चाहिए। बस किसी तरीके से उसको मैंने मनाया था कि कल बना दूँगी करके, ठीक है बच्चा है वो, ये तो हमारा रोज का ही है। और ये मैं बस रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी है, कुछ मेरे पहले का आटा रखा हुआ था और ये बस मैंने थोड़ा सा आटा और गूंद लिया था। तो यहाँ पर बस मैं रोटी बना रही हूँ और पीछे रिधान की और रिधान के पापा की चाय को लेकर कुछ कन्वर्सेशन चल रही है, बहुत इंटरेस्टिंग सी। रिधान बता रहा है चाय बनाना, सिखा रहा है अपने पापा को कैसे चाय बनाई जाती है। और ये पूरा होता है चाय का, क्या ऐसे पूरा सारे आइटम बता दिया इन्हें, चाय पत्ती चाय पत्ती दूध बहुत सारे फायर इंजन की आवाज आ रही थी। हाँ बस हमारा भी डिनर हुआ है और रिधान को बस थोड़ी देर में मैं सुला दूंगी, हालांकि मेरा घर बहुत फैला हुआ है मुझे ठीक करना है। तो मैं गई थी अपने बालों के लिए, ये जो मेरे बाल दिख रहे हैं ना बहुत ही मेरे बाल बहुत ही फ्रीजी से हैं तो उसके लिए मैं गई थी करीब 3 सैलून में गई थी। अभी 2-3 और मैं देखती हूँ। तो केराटिन तो बहुत ही महंगा है, मतलब मेरे बालों के लिए इतने से बाल है मेरे, तो इसको भी वो मिड बैक करके मान रहे हैं, मतलब इतने से बालों के लिए भी वो लोग 7,000-9,000 ऐसे चार्ज कर रहे हैं केराटिन के लिए। और स्मूथनिंग के लिए फिर भी थोड़े से कम प्राइजेस हैं, तो एक पार्लर में मुझे 7,000 बोले स्मूथनिंग के लिए, एक पार्लर ने
क्योंकि वो नया खुला है लैक्मे का तो हमारे एरिया में, तो उसने मुझे 51 बोले हैं 30% डिस्काउंट के बाद 5100। और एक और पार्लर ने मुझे बोले 7000 रुपीज स्ट्रेटनिंग के। मैं सोच रही थी शायद 4 या 5 हज़ार में हो जाएगा, लेकिन ये सब बहुत महंगा है। पापा भी 2 मिनट्स में आ जाएंगे, इसके पापा चले गए अभी कहीं बाहर, तो ये पापा पास कर रहा है बहुत देर से। तो अभी आ जाएंगे पापा। अच्छा देखो वो रिधान, ये वाला रिधान क्या कर रहा है देखो ना, कौन सा? ये वाला रिधान क्या कर रहा है देखो, ये वाला रिधान ट्रक के साथ खेल रहा है। कौन से ट्रक के? इस वाले ट्रक के साथ खेल रहा है ये वाला रिधान। कौन से ट्रक के साथ? इस वाले ट्रक के साथ। कौन से? इस वाले। हाँ तो एक पाला ने मुझे 5100 बोले है स्ट्रेटनिंग के। केराटिन में नहीं करवा रही हूँ क्योंकि केराटिन 3-4 महीने के लिए ही रह पाता है और बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो मैं स्मूथनिंग के लिए सोच रही हूँ, तो मैं स्मूथनिंग करवाऊंगी। और रिधान का बर्थडे आने वाला है जनवरी में, 20 जनवरी को वो 3 साल का हो जाएगा। तो बस जनवरी में तो आपको पूरे इसके बर्थडे से रिलेटेड ही सारी थीम सब कुछ इसके बर्थडे से रिलेटेड ही सब कुछ देखने को मिलेगा। रिधान की बर्थ स्टोरी, मेरी प्रेगनेंसी की स्टोरी और भी बस इसका बर्थडे, इसका फर्स्ट बर्थडे की का व्लॉग, तो ये सब बस मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और बस 1 महीना बचा है इसके बर्थडे के लिए और बस इसलिए मैं तैयारी कर रही हूँ। मतलब ये भी जो मैं अपना हेयर स्ट्रेटनिंग करवाने वाली हूँ, वो भी चाहती हूँ कि इसके बर्थडे से पहले करा लूँ, तो मतलब बर्थडे वाले दिन थोड़ा अलग सा लुक आए। तो बस यही है और बाकी प्रिपरेशन भी धीरे धीरे चल रही है। रिधान का गिफ्ट भी मैंने सोच लिया है कि इसको मैं क्या गिफ्ट देने वाली हूँ। हालांकि इसको तो मैं इसे गिफ्ट्स तो मिलते ही रहते हैं मतलब, लेकिन इसका बर्थडे गिफ्ट कुछ स्पेशल होने वाला है। तो बस इसका बर्थडे चल रहेगा, आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो फर्स्ट बर्थडे में हम लोग कहीं बाहर गए थे, सेकंड बर्थडे में हम कुछ कर नहीं पाए थे क्योंकि मैं पूरे दिसंबर में 5-6 दिन में हॉस्पिटलाइज थी। तो सेकेंड बर्थडे में हमने घर में ही एक छोटा सा फंक्शन कर दिया था, तो थोड़ा थर्ड बर्थडे हम थोड़ा सा अच्छा सा सेलिब्रेट करने वाले हैं इसका। तो बस मुझे अपने लिए कुछ ड्रेसेस भी ऑर्डर करनी है, अपने हस्बैंड के लिए भी कुछ कपड़े, और इसके तो मैं खैर मैं करती रहती हूँ, तो मुझे और भी कुछ नए नए ड्रेसेस ऑर्डर करनी है इसका। फिर इसका हम लोग हाँ इसके स्कूल में भी हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे एक दिन पहले, मतलब मंडे को उसका बर्थडे है, हम लोग फ्राइडे वाले दिन इसका स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और बस पूरा जनवरी आप यही सब चीज़ें देखेंगे, मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी, इसकी बर्थ स्टोरी, इसके बर्थडे के ब्लॉग्स, बाकी सब कुछ बस इसी से रिलेटेड मेरा मैरिनेटी फ़ोटोशूट, तो यही सब जनवरी में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और जनवरी में मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी आता है, 2 दिन बाद आता है, तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ और आपसे मिलती हूँ एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय।